हारून साहब फैसला तो सथाना था ताखीर क्यों हुई दो मरतबा तखीर हुई फिर तीसरी मरतबा में फैसला क्यों आया एक बहुत अहम तारीखी फैसला था ना ये अहम फैसला नहीं है ये एक तारीख साज फैसला है देखिए ना इस चौधरी ले के चीफ मिनिस्टर बन जाने का क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि सियासत यकसर बदल गई पंजाब जो गढ़ था नून लीग का लाहौर जो उनका किला कहा जाता था सही कहा जाता था लाहौर में जैसी मकबूलियत और इतनी तवील अरसे तक जैसी उनकी रही है यानी बोटो साहब का भी बहुत ही पॉपुलरिटी थी और पंजाबी की वजह से उनकी हुकूमत बनी थी सिंध में तो उनकी मेजॉरिटी नहीं थी साठ में से अट्ठाईस सीटें थीं लेकिन जाहिर है उन्होंने बनानी थी सिंध में हुकूमत लेकिन ये तवील तरीन अरसा पैंतीस चालीस बरस तक उनकी डोमिनेशन रही है यहाँ पर एटी फाइव से दान बर्ड रही है इसी ख़ानदान की तो सैतीस साल अब ये बिल्कुल ख़त्म हो गया यहाँ पापुलरिटी उनकी जिस दिन वस्ती पंजाब नूंद के हाथ से निकल गया शमाली और जनूबी पंजाब में तो पहले ही इमरान खान की अक्सरियत थी ये अपने मुखालते में रहे कि जो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से आप वोट तो उसने लिए ना इस्टबलिशमेंट ने तो आपको भी सपोर्ट किया कई मौके पर वोट तो नहीं दिलवा सकते इस्टेब्लिशमेंट ना वो तो दो चार परसेंट की मैनेजमेंट हो सकती है कोई इलेक्टेबल आ सकते हैं तो उस दिन ये बात बाजे हो गई थी अब आप जो लोग सियासत के बुनियादी चीज़ों को नज़रअाज़ कर देते हैं ना बड़े बड़े लोग कर देते हैं मीडिया जिसे काम ही पब्लिक सेंटिमेंट को पढ़ना और समझना है उसमें लोग वलेंडर करते हैं तारीख की गलत साइड पर जा खड़े हो जाते हैं अभी आप देखेंगे बड़ी शिकस्त रेख्त होगी मीडिया में जब वस्ती पंजाब उनके हाथ से निकल गया क्यों निकल गया नौजवानों की वजह से निकल गया ये बार बार मैंने पॉइंट आउट किया और लोगों ने भी किया जाहिर है कि भाई नौजवान जिसके साथ चले सिक्सटी फाइव परसेंट तो नौजवान है एक नौजवान एक बूढ़े आदमी के मुकाबले में दस गुना ज्यादा वक्त दे सकता कोई नहीं है बच्चों का तो कोई रोल नहीं होता अच्छा फिर खातिन में जो पार्टी पॉपुलर होती है वो ज़्यादा वो अपना गलबा उसी का होता है ये फितरी बात है खातिन में मेजोरिटी हो गई कभी इस तरह खातें नहीं निकले थी वो सियासी खानदान निकले ये तो 2013 में वाजे होना शुरू हो गया था कि मुस्तबिल है अच्छा फिर कारोबारी तो उसके साथ चले गए फिर आखिर में वला चले गए ठीक है यानी वो कला में तो 30-35 साल नून लीग ने काम किया था और उनको इतना ब्लाइज किया कि जिसकी कोई मिसाल ही नहीं है बार एसोसिएशन को इतने पैसे मिले जर्नल मीडिया में इतनी इन्वेस्टमेंट की कि अगेन इसकी कोई तारीख़ में मिसाल नहीं है लेकिन कौन आने वाले को रोक सकता है जब दिल बदल जाते हैं लोगों के दिल वही देखिए ना मैं बार बार तो लोगों के दिल दश्त में पड़े हुए पर कि मानंद हैं जिन्हें हवा उल्टाती अब खल के खुदाई जिधर चली जाएगी सियासत आप सारा जोड़ तोड़ किस चीज़ पर करेंगे अगर लोग आपसे आ, 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 आपको शक्ल देखने के रवादार नहीं आपके बात सुनने के लिए तैयार नहीं आपके बारे में राय उनकी ख़राब हो चुकी है फिर आपकी परफॉर्मेंस क्या इसमें सबसे ज़्यादा मदद तो इमरान खान के मेरे ख्याल अमरीका ने की <laughs> यानी नहीं जरदारी साहब भाई है पर जरदारी साहब पे भारी मुझे तो ये हमेशा तजुब होता था कि जिस आदमी का तासुर ही खराब हो एक चलाक आदमी का तासुर हो और उसको दे दिया सारी यानी बनाने की जिम्मेदारी हाँ। तो उससे तो भाई राया में रिएक्शन होगा ना अब उसने उन्होंने पूरा प्लान बना लिया था जरदारी साहब ने जीत जाएंगे ऐसे आखिर में उन्होंने तो तो एक ऐसी हरकत की यानी भाई आखिरी वक्त में खाता है जो जेब से निकाला जाता है खाते इस तरह होते हैं सियासत के फैसले इस तरह होते हैं उनकी सकी बहन चौधरी शुजात के तो आज मौजूद थी वहां आप शाफ कर रहे हैं किसी को नहीं इस बात का इल्म नहीं उस सकी बहन उनके और मतलब ये है कि वो ओ बहन भी ऐसी कि मैं अगर ज्यादा उनके करूँगा तो लोग मुमकिन है ये समझें कि मैं मुबालगा कर रहा हूँ मैं जानता हूँ उनको चालीस बरस से मतलब उस मेरा तो चालीस बयालीस बरस इस खानदान से मैं जुलना है तो मैं उस वक्त से जानता हूँ कि वो मजबूत खातून है वो किसी कहने पे फैसला नहीं करने वाली और सारी दुनिया उनकी सतश करती है ख़ानदान को इतना वेलफेयर के काम पर उन्हें लगा दिया कि उसकी तफ़ीत बयान कीजिए तो लोग चौंक उठे सही है मैंने अभी फैसले पर मजीद बात करनी मगर आपने अमरीका और आसिफ अ जरदारी साहब का हवाला एक साथ दे दिया है फिर पूछ रही हूँ कल की तरह आसफ अली ज़रदारी क्यों गए है? नहीं आसिफ अली ज़रदारी तो दो इतलात एक तो ये थे कि हाँ आसानी से अमरीकीयों से मुजाक कर सकते हैं उनसे बात करने के लिए और कुछ लोग कह रहे थे कि वो एसिड्स का सौदा करने के लिए गए हैं एसिड्स में तो वो तनह फैसला नहीं कर सकते हुकूमत किस है शरीब खानदान जो है वो इस तरह के कामों में किसी को दखल देने ज्यादा दखल देने की इजाज़त तो नहीं दे सकता लेकिन दोनों बातें सही हो सकती हैं पैसे बनाने का उनको शौक है अमरीकियों से भी बातचीत की होगी अगर ये दोनों बातें सही हैं तो इसकी तफसी कुछ दिन में सामने आ जाएंगी अभी इसमें हतमी राय नहीं देनी चाहिए लेकिन अमरीकी क्या करेंगे अमरीकियों तो कल बता दिया हाँ उन्होंने तो कह दिया उन्होंने कहा हम हर हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार वो ईरानी इंकलाब के बाद से वो बड़े कॉन्शियस हैं कि आवामी तहरीकों की मजामत न की जाए और इमरान खान हाँ क्या तकलीफ देंगे जी अमेरिका को वो भाई अड्डे बड्डे तो वैसे ही नहीं दे सकते वो तो एक वैसे ही बचगाना बात थी और इन्होंने हासिल क्या किया था इन्होंने आईएमएफ से पैसे तक तो ले नहीं सके देखे ना जब आदमी एक कमज़ोर आदमी कुछ तो नहीं लड़ सकता ना एक आदमी बॉक्सिंग तो नहीं कर सकता एक आदमी जिसकी सेहत खराब हो वो दौड़ के मुकाबले में शरीक तो नहीं बातें करने में और कम आप इसकी रेपुटेशन हो ये है कि आए आपको पैसे देने के लिए तैयार नहीं ये कहते रहे कि जी हमें इस तरह की बातें करते रहे कोई यानी फीलर छोड़ते रहे पैंतीस बिलियन डॉलर चीन से मिल जाएंगे और जनाब आप अमरीकी कैम्प में चले गए और चीन आपको पैंतीस बिलियन डॉलर देगा और रूस से मिल जाएंगे और अब महाराज से मिल जाए महाराज मिल जाएंगे सऊदी अरब से मिल जाएंगे भाई आपकी रेपुटेशन नहीं आपको को है आपको कोई इतना पैसे सही है ठीक है मैं इसके ऊपर आती हूँ मगर अभी जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे आ रहा हूँ सब आपने कहा कि ये अच्छा वो आपने पूछा था वो सवाल रह गया कि भाई इतनी तखीर क्यों हुई लोग उस प्रोसीजर को समझना चाहिए जिसके साथ फैसले होते हैं अब हमने एक प्रोग्राम करना है इस प्रोग्राम की कोई ऐसी अहमियत नहीं है कि जिसकी वजह से मुल्क का कारो, कारोबारी हुकूमत पर कोई असर पड़ता हो चीज़ों की कीमतें तय होती हूँ इसके लिए कितने घंटे हम तैयारी करते हैं फिर तब्दीलियां करते रहते हैं आखिरी नहीं, नहीं मैं बताता हूँ ना आपको प्रोसीजर समझ लें तो बात समझ में आ जाएगी मैं चूंकि उससे वाकिफ हूँ थोड़ा सा और मैंने मालूम भी किया रे भी किया वहाँ सुप्रीम कोर्ट में।, में कोई दोस्तों से पुराने जिनसे ताल्लुक है कि भाई क्या बात है हो रही उन्होंने कहा सुबह आठ बजे से जहाज आए हुए आए हुए हैं थके हुए हैं सुबह आठ बजे आए थे ना जी तो जो, जो जिस वक्त फैसला हो रहा था तो बारह घंटे जो उन्होंने फैसला लिखना था तो दस ग्यारह घंटे तो गुजर चुके थे एक फिर तफसील भी तफसी फैसले फिर आज आठ बजे नहीं आए बहुत दिन से सुबह सवेरे आ रहे हैं ये तो एक मसला था इसके लिए तो कई दिन से आ रहे हैं उससे पहले भी आ रहे थे ठीक। थक जाते हैं लोग फिर इन जैज हजरात में से बाद को मैं जानता हूँ वर्जिश वगैरह के बहुत आदि नहीं है ज़्यादातर शहरों के लोग हैं और टफ़ नहीं हैं उतने और देखें इतना नाजुक मसला फिर लिखवाया जाता है फैसला लिखने के बाद उसको दोबारा पढ़ा जाता है फिर उसमें मुतलका जो मसाइल पैदा हो सकते हैं उनका जायजा लिया जाता है यह कोई आम फैसला तो नहीं है ना इतना तवील तव, तव, फैसला हालांकि यह तफी फैसला नहीं है अभी शॉर्ट ऑर्डर आई शॉर्ट ऑर्डर तो ग्यारह सवे पर फैला हुआ है और एक एक चीज़ से बहस की जाएगी अभी वो मुमकिन है नजर की दरख्वास्त करें अगर ये उसके लिए माहौल उन्होंने ऐसा कर लिया है कि सारी सुप्रीम कोर्ट को तो उन्होंने मुल्जम बना दिया है पी डी एम ने और अपना पीपल्स पार्टी ने तो इन इस सूरत हाल में क्या वो अपील करेंगे जब अदालतों पर एक तरफ आप आदम एतमाद कर रहे हैं दूसरा आप उनसे अपील कर रहे हैं वैसे आपने ये क्या याद करा दिया मियाँ शरीफ साहब ने भी अभी एक रिसेंट ट्वीट किया उन्होंने कहा पाकिस्तान का तमाशा बना दिया गया तीनों जज साहिबान को सलाम <laughs> वो तो देखिए ना अभी कल तक तो वो अदालतों की तहसीन कर रहे थे उनकी तारीफ कर रहे थे अदालत ने उनके रास्ते में कौन सी रुकावट पैदा की रुकावट तो उन्होंने खुद पैदा की अगर दोस्त मजारी से ये फैसला न कराया जाता बल्कि उससे पहले उन्हें सूरत हाल को समझ लेना चाहिए तो उन्हें अलग हो जाना चाहिए था हकूमत होती है इतनी कशीदगी की फिजा में अक्सरीत की ताइद से बल्कि अक्सरीत की ताइद के अलावा भी कुछ चीज़ें दरकार होती हैं आपकी कानूनी पोजिशन ठीक होनी चाहिए नौजवान आपके साथ हों फाल तबकात आपकी सपोर्ट के लिए खड़े होने के लिए कौन इनकी के लिए खड़ा होगा कोई भी नहीं खड़ा होगा सही ठीक है आपने ये कहा कि तारीखी फैसला अहम नहीं है तारीख में कभी इतना सख्त फैसला आया और फौरी अमल जिसके ऊपर कर दिया जाए और अभी नहीं, इसकी ले 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 नहीं कोई ले मिसाल ले। नहीं होगी और इस पर एतराज भी किया जा सकता है और कानूनी एतबार से मुमकिन है उसमें कुछ वजन भी हो अच्छा लेकिन सवाल यह है कि एक मुल्क जो अदम इसकाम का शिकार है जिसमें श्रीलंका जैसे हालात पैदा होने का अंदेशा है और इकनॉमिक मेल्कडाउन है तो वहाँ अदालत इसकी मुल्क इसका मुतमल नहीं हो सकता अदालत नहीं अगर जज आज ये फैसला ना करता कि फ़ौरी तौर पर वह हल्फ लें और फौरी तौर पर वो अपना जो चीफ मिनिस्टर साहब दफ्तर खाली कर दें और वज़रा ख़ाली कर दें तो अदम इसकाम रहता असल मसला है इकनॉमिक मेल डाउन हर रोज़ रुपए की कीमत एक फ़ीसद कम हो जाती है कोई मुल्क इसका मतम्मल नहीं हो सकता